हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से नए वीडियो में। सो फ्रेंड, आज किस वीडियो में आपसे मैं बात करने वाला हूं, अगर आप भी फेसबुक एप्लीकेशन यूज करते हैं, फेसबुक आप चलाते हैं, तो फेसबुक का आप जो भी फोटो या वीडियो आप पोस्ट करते हैं तो पोस्ट करते हैं वीडियो को, तो जो भी आपका लाइक और कमेंट आता है बहुत कम आता है, तो आपको जो आपका फ्रेंड होता है, सिर्फ आपका फ्रेंड, जितना फेसबुक पर आप फ्रेंड बनाए होते हैं, सिर्फ आपका फ्रेंड ही आपका पोस्ट को देखता है और कोई अदर पर्सन नहीं देख पाता है। तो जो भी आप फेसबुक पर पोस्ट करेंगे तो उसको पब्लिक करना होगा। आप पोस्ट को, फोटो को जो भी पोस्ट करेंगे या वीडियो पोस्ट करेंगे तो उसको पब्लिक कर देंगे, तो आपका फेसबुक पर भी जितना फ्रेंड होगा सभी देखेंगे, अदर पर्सन भी आपका फेसबुक का जितना भी लोग अकाउंट बनाए होंगे सभी लोग के पास आपका पोस्ट चला जाएगा और आसानी से आपका लाइक भी ज़्यादा मिल जाएगा। तो वीडियो शुरू से करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाले सभी वीडियो में आपको मिलती रहे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड, मैं तसाम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तसाम टेक्निकल, में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड, आपको सबसे पहले फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो अगला इंटरफेस कुछ इस तरह का देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको करना क्या होगा, आपको यहाँ से ऊपर में थ्री लाइन का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, सिंपल सा थ्री लाइन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से अपने प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। प्रोफाइल पर आने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर लाइव, यहाँ से लाइव भी आ सकते हैं और यहाँ से फोटो, जैसे ही फोटो पर आप क्लिक करेंगे तो आपका गैलरी ओपन हो जाएगा। यहाँ से जो भी आप फोटो या वीडियो को पोस्ट करेंगे तो आपका पब्लिक करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ से चलिए मैं एक फोटो लेता हूँ। यहाँ से मैंने कहा, मैंने ये फोटो आपको एक सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से जैसे फोटो सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से डन पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको जैसे क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर फ्रेंड का, देखिए यहाँ पर, तो सिंपल सा आपको फ्रेंड वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ से देखिए, अगर आपको फ्रेंड पर सिलेक्ट रहता है तब से फेसबुक पर जितना भी आपका फ्रेंड है सिर्फ वही आपका पोस्ट को देख सकता है और अदर पर्सन नहीं देख सकता। अगर आप चाहते हैं कि पब्लिक सभी लोग देख सकें तो आपको यहाँ से पब्लिक कर देना है, आपको पब्लिक पर टिक मार्क कर देना है। टिक मार्क करने के बाद आपको यहाँ से डन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से पोस्ट का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ से देखिए, आपका जो फ्रेंड था यहाँ से पब्लिक हो चुका है और यहाँ से पोस्ट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे पोस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी यहाँ से पोस्ट की अपने फेसबुक पर पोस्ट किए हैं, यहाँ से आपका थोड़ी देर में आपका फिनिश होगा और यहाँ से आपका अपलोड हो जाएगा। इसके कारण देखिए, यहाँ से अपलोड हो चुका है। यहाँ पर जो भी मैंने पोस्ट किया, फोटो किया, यहाँ से अपलोड हो चुका है। अब मेरा अदर पर्सन भी और बहुत सारा जो भी फेसबुक पर लोग होंगे सभी को मेरा पोस्ट सभी के पास चला जाएगा और आसानी से सभी के लाइक और कमेंट ज़्यादा आएगा। तो इस प्रकार से आप आसानी से अपने पोस्ट को पब्लिक फेसबुक पर कर सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो समझ में आ गया होगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको मिलती रहे। सो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, मिलते अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।